प्रशासन लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। इसी क्रम में आज संभवतः की हाई कोर्ट के किसी आदेश पे यहाँ सिंडिकेट के समीप अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन अतिक्रमण हटाने के साथ ही यहाँ भारी बवाल हो गया। लोगों का कहना है कि अंचलाधिकारी जो यहाँ पहुंची थी पुलिस बल के साथ, उन्होंने इनकी झोपड़ियों में आग लगा दी है, इनको काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना, प्रशासन का कहना है कि इन लोगों के द्वारा जो पथराव और ये किया गया, उपद्रव किया गया, उसमें थानेदार का पैर टूट गया है। तो अब यहाँ पे भारी बवाल है, स्थिति अभी सामान्य नहीं है। लोग लगातार कह रहे हैं कि हमें यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, तो कहीं हमें रहने का स्थान दिया जाए। ये सुनते हैं लोग क्या कह रहे हैं। पर पुलिस प्रशासन ने आकर यहाँ पर जबरदस्ती किया, हटाया, हमारे सामने हमारे घरों को आग लगाया। पुलिस ने जबरदस्ती करके हमारी बहन, माँ, बेटी सबको पीटा और इन्होंने जबरदस्ती हम लोगों के साथ किया। आप प्रत्यक्ष के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाइए, ठीक ना, ये पुलिस, ये देखिए, ये पुलिस प्रशासन का जबरदस्ती है। पुलिस ने आग लगाई है। हम लोग भूमिहीन लोग हैं, भूमिहीन लोग हम लोग, इस ठंडे में लोग में कहाँ हम लोग जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे। आपने किसी का पैर तोड़ दिया? नहीं नहीं, उन्हें प्रशासन ने हम लोगों का, चार पांच लोगों का बहुत मारा है, सर फोड़ दिया है उन लोगों ने। वो लोग गए हॉस्पिटल में, गए सब लोग, सब लोग अभी याद है। यहाँ पर 80-90-100 लोग से ऊपर है, 100 यहाँ हम लोग 50 साल से ऊपर हो गए हम लोगों को रहते हुए। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों का मांग यही है कि आप हमें जगह दे दीजिए, हम वहाँ पर चले जाएंगे। ये बिना हमें अग्रिम सूची के ही हम लोगों पर इन्होंने इस तरह से ये काम किया है इन लोगों ने। लेकिन तो इस तरह का दुर्व्यवहार किसी के साथ कहां तक? अब ये नीतीश कुमार बताए कि हम लोगों के साथ ये क्या हो रहा है, ये कहना है कि आपने पुलिस कर्मियों को मारा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पुलिस ने हम लोगों पर ही अत्याचार किया, पुलिस शुरू से ही हम लोगों पर जबरदस्ती किया है। उन्होंने आग लगाया, खुद से ही आग भी लगाया, मारा लेडीज को भी, मारा जेंट्स को भी, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें घायल हुए हैं। मेरा नाम रविंदर कुमार, हम यहीं पर निवासी हैं। हम लोगों ने जब सीओ की गाड़ी आई यहाँ पर, तो मैंने ये कागज ले जाकर सीओ को दिखलाया। किस तरह का कागज है ये? हाई कोर्ट का आदेश है जी, 14 आदमी का। हम पढ़े इंग्लिश नहीं है और इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसमें हटाने के लिए लिखा हुआ है। छोड़ दिया अभी, अभी आपका बयान दीजिए। अभी हमने सीओ के पास गया और सीओ से हाथ जोड़कर, मैंने ऐसे हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ के सीओ से कहा कि आपको इस जमीन का अगर जरूरत है तो आप ले लीजिए, मगर मेरे पास एक धूर जमीन नहीं है, पैर धरने के लिए मेरे पास जमीन नहीं है। हमको 1972 में किला से एसडीओ साहब ने यहाँ पर बसाया और एसडीओ साहब हम लोग को 1972 से किला पर बसाया, उस बस से हम लोग आज तक बसे हुए हैं और सरकार अभी तक हमको पर्चा काट के नहीं दिया। आपको इस जमीन की आपको जरूरत है? रह जा, आपको इस जमीन की अगर जरूरत है तो हमको जमीन दे दीजिए, मैं इस जमीन को छोड़ देंगे। सरकार ने गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देती है तो वादा किया है कि किसी भूमिहीन को जमीन नहीं है, मैं उसे 3 डिसमिल जमीन दूंगा। सरकार ने 3 डिसमिल देने को जमीन कहा है और हमको सीओ ने आग लगवा दिया मड़ई में, हमारे सीओ ने माचिस से आग मारा है जी। कोई नोटिस हम लोग को नहीं मिला है सर, कोई भी नोटिस नहीं मिला है। अचानक आकर इन लोगों ने, हमने उनसे कहा, सीओ से मैंने कहा कि आप क्यों जरवा रही है, तो कह रही आदेश हुआ है। मैंने सीओ से कहा कि आप आदेश को दिखलाइए, सीओ ने आदेश को नहीं दिखलाया हमको और सबको तोड़वाने लगा। पहले इसके पूर्व कोई नोटिस नहीं। मैंने सीओ कहा कि आदेश है, हमने कहा आदेश को दिखलाइए, सीओ ने आदेश को नहीं दिखलाया और डंडा चार्ज करवा दिया और झोपड़ी में सभी आग लगवा दिया। क्या नाम आपका? हमारा नाम मल्लू राम पड़ेगा। ये देख लीजिए सर, हो गया साहब, जलवा दिए पुलिस, आग लगाई है। हाँ, पुलिस आग लगाई है। पति साहब हमारा 2 लाख रुपया का था, बकरी का बच्चा सब था, सब मर गया, राख हो गया, इसमें कितना अनाज था सब राख हो गया, इसमें मिलने वाला सब प्लास्टिक का था। क्यों लगाई? क्या क्या कहा गया? यही हो गया सर कि हम लोग हाथ जोड़े हैं कि मत हटाइए हमको, ठंडे पाले में बाल बच्चा लेकर के कहाँ जाएंगे। तो लोग जबरदस्ती हमको देख लीजिए मार के कपार भी फोड़ दिया पर जबरदस्ती करके और आग लगा दिया साहब। अपने पार के हाथ पर तोड़ दिया लोग। नहीं साहब, हम लोग का हम लोग के शक्ति नहीं है कि प्रशासन के ऊपर हम लोग हाथ उठाए जाएंगे, खाने का ठीक नहीं है, हम प्रशासन पर हाथ उठाएंगे। अब बताइए, हम लोग जब से आए तब से हम लोग भीख मांग रहे कि साहब हमको छोड़ दीजिए या एसपी को बुलाइए, हमको कहीं ना कहीं व्यवस्था दे, उसके बाद हमको हटा दे, हम हटने के लिए तैयार हैं। इस ठंडे में साहब हम बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा हमारा नाम प्रताप है। ये
बा जंगल काट के बनाने के घर हमनी को आ आज घर का खाली कर जल्दी नमा से पथराव के बने जा की तक खिचलाओ ना के हुले चली चले बा पुलिस से बोला चलवा ले दिया हां अतिक्रमण मतलब रेगुलर वे में हटाया जा रहा है या फिर कोई विशेष आदेश था? माननीय उच्च न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष एमजेसी का मामला है। सीडब्ल्यूजेसी में पारित आदेश के अनुपालन में थोड़ा विलंब हुआ था, जिसके बाद एमजेसी दायर की गई थी। सीडब्ल्यूजेसी में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में ही ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और ये अभियान हाँ, इन सब लोगों को मालूम था पहले से, ये लोग पार्टी भी हैं इसमें, और सभी लोगों को पूर्व सूचना थी। 15 तारीख को तिथि निर्धारित की गई थी, उसकी सूचना भी थी लोगों को। आज जब अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हुआ तो लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। हमारे पुलिस पदाधिकारियों को और पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं, कईयों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, ये काम पूरा होगा। गाड़ी का शीशा वगैरह भी टूटा है क्या? गाड़ियाँ 2-3 क्षतिग्रस्त हुई हैं, हमारे पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, पदाधिकारियों को भी चोट आई है। सर, यहाँ झोपड़ियों में आग लगी हुई थी, वो आग कैसी थी? ये अभी आने के बाद पता चला कि इन लोगों ने खुद लगाई है, अभी इसकी तफ्तीश हम लोग कर रहे हैं। अभी तुरंत इस पर कुछ कह पाना थोड़ा, अधिकारी का कहना था कि उनको भी आग में फेंकने का आपने, हम लोग अभी देख लेते हैं, अभी आने के बाद सारी चीज़ों की समीक्षा। नगर थानाध्यक्ष का पैर टूटने की बात आ रही है सामने से। नगर थानाध्यक्ष गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं, अब यहाँ से हम लोग जाके उनको देखेंगे, उनको बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए भेजा गया है और वहाँ वो चिकित्सकीय देख रेख में है, सुरक्षित है। अब यहाँ से ये काम पूरा करने के बाद हम लोग देखेंगे उनकी चोट कैसी है, उसके बाद उनको इलाज के लिए कहाँ भेजना उचित होगा। इन लोगों का सर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ये लोग गरीब है, इन लोगों को पुनर्वास के लिए क्या योजना है? पुनर्वासन के लिए हमारी योजनाएं हमेशा रहती हैं, सरकार की हमेशा योजना है कि भूमिहीनों के लिए भूमि खरीद के दी जाए, महादलित परिवारों के लिए जरूरी पड़े तो भूमि क्रय करके भी दी जाती है। लेकिन योजना का लाभ उठाने के लिए उसका एक नियत मानदंड है, नियत प्रक्रिया है। जल स्रोतों पर अतिक्रमण करने पर माननीय उच्च न्यायालय काफ़ी सख्त है और हम लोग उनके आदेश का अनुपालन कर रहे हैं, जल स्रोतों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। ये तो पूरा शहर में अभियान चल रहा है सर? जी बिल्कुल चल रहा है और ये अपने नियति तक पहुँचेगा। लोग आए हुए हैं टाउन थाना के थाना प्रभारी और एक सिपाही, क्या स्थिति है उनकी? हाँ देखिए, जो थाना प्रभारी हैं उनके दाएं वाले पाँव में एंकल के नीचे डीप इंजुरी हुआ है, रक्त स्राव तो बहुत, ब्लीडिंग बहुत हो गया था, हल्का फल्का टेंडन इंजुरी भी है तो ठीक है। और जो सिपाही है उसका हेड इंजुरी था, माथे की नस कटी हुई थी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुआ, दोनों की हेमोस्टेसिस अटेंड कर लिया गया है और दोनों पेशेंट अब ठीक है, पहले से बेहतर है और रात में सीटी वगैरह होगी तो फिर आगे हम लोग बताने की स्थिति में होंगे। ये कैसा चोट है? ये असॉल्ट है, मारपीट में जो होती है, कोई भगदड़ हुई होगी, कुछ शार्प इंजुरी लगा है, यानी किसी धारदार वस्तु से चोट लगी है। सर दोनों पुलिस वाले क्या स्थिति है? दोनों अभी खतरे से बाहर हैं लेकिन तनाव तो है ही ना।